ਰੋਟੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕੁੱਤੋ ਨੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਹਮਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕੜੀ ਅੱਜ ਹਲਵਾ ਪਕੇਂਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਲਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੇਂਦੀ ਹਾਂ ਓਏ ਬਰਬੋਤੀ ਏ ਓਏ ਬਰਰੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे खैरियत होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इजाज अली खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजाज अली खान व्लॉग और अली डेरेवाल आपके सामने खड़ा है, इजाज अली खान आपके सामने खड़ा है। आज हम आए हुए हैं गांव टंड की इंतहा नहीं है, इतनी सख्त टंड है, धुंध है, आपको दिखाएंगे लोग मसरूफ है, घास वगैरह मार मवेशियों को किस तरह ये घास चारा डाओ करते हैं और आप लोग सर्दी में घर में पड़े हैं सुकून से। एक भाई पानी लगा रहा है, उनकी भी कवरेज करते हैं, पानी लगा रहा है और ये नाले वगैरह साफ कर रहा है इतनी सख्त ठंड में। तो आज हमने सोचा कि आज हम थाउन साइड पर चक्कर लगाते हैं, विजिट करते हैं और यहाँ पर इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम। घास के ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे ना उसके ऊपर भी मतलब शबनम आई हुई होती है, तो आप हाथ लगाओ ना जरा। पानी है यार, उधर माल्टे होंगे चेक करें बाबू। माल्टे नहीं होंगे, माल्टों की सफाई वगैरह हो गए, लोग कहा गए क्योंकि साथ बस्ती है ये आबादी कहा जाते हैं। चलें ट्राई तो करते हैं, अगर पड़े होंगे तो उठा लेंगे। पीछे कुत्ते लगे हैं, इधर एक इलाका भी है कुत्ते वाली बस्ती। ये देखो पानी बिल्कुल ठंड की वजह से ऊपर पानी आया हुआ है और इस भाई को सलाम है जो काटने वाला है, वो जा रहा है, वो ले जा रहा है। तो शायद आपने देखी हो वीडियो में स्टार्ट में जब मैंने रखी थी, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने कवरेज थोड़ी सी की है। कल सूर्य निकला था घंटा डेढ़ निकला था, फिर गायब हो गया है और आज तो ठंड की इंतहा है, इतनी ज्यादा ठंड है ना, धुंध भी खत्म नहीं हो रहा, धुंध मसला ये धुंध भी खत्म नहीं हो रहा, मजबूरी से निकले तकरीबन तो अगर 20 दिन अगर 10 दिन अगर और ज़्यादा सर्दी रही ना तो डेस्मिल खान में स्नो तो हुई है, उस दिन भी हुई थी, दोबारा शुरू हो जाए यार, गुजारा करो लोग, कोई कारोबार करने दिहाड़ी पे जाते हैं लोग, ये नहीं ये हाल तक लोग रोजगार फिर दे तकड़ा है। यहाँ पे वो लगा हुआ है साग, आपको दिखाते हैं साग, देसी साग जो होता है, ये देसी साग है, ये देख सकते हैं। कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो आप लोगों ने जाके गूगल पे सर्च करना है या यूट्यूब पे सर्च करना है कि देसी साग की रेसिपी या देसी साग, तो ये देसी साग पड़ा है। होटल पे जाते हो क्या क्या चीज़ है, रोस्ट है, फलानी शे, फलानी शे, पालक है, हाँ। पालक ही है। यस है। तो ये देसी साग है, कैसे की दिया नहीं निकड़ी आज हलवा पकें दे मेरे, हलवा तो नहीं पकें दी, हाँ हलवे वाली है, हलवा मेरे को लगता है हलवा पकें दी आज, दीवार हलवे वाली, हलवे वाली भूखे इन कसम है अल्लाह जी, इसको हिक माल्टा नहीं छोड़ा, ये सारे खाली हैं दरख्त, जितने भी दरख्त ठहरे हैं। मैंने तो आपको पहले कहा था कि आपको माल्टा नहीं, दरख्त लोग न ले जाए, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो बूटे शुक्र है कड़े हैं बूटे, था मतलब इन लोगों पे इतनी भी उम्मीद नहीं है। देख जी अच्छे ये साग मजदार है, ये साग की पनीरी की में साढ़े पाँच सौ थे, तो पनीरी कितने किलो होंगे तकरीबन, पाँच दस किलो होंगे, मतलब सही है यार, सही है ना कि ये वाला पालक जरा है, हाँ। क्वालिटी वाइज अच्छा है। पहुँचे हैं दरिया के साइड पे किनारे पे, हम ठहरे हैं, पहले तो हमें कुत्तों ने इस्तकबाल हमारा किया है। ये सामने वाले ये अभी भी ठहरा है कि यार इनके कुत्ते हैं, तो अभी ये पहले दरिया होता था, अभी बड़ा देरे का मशहूर नाला, गंदे पानी का नाला जो है, पानी डिस्मिल खान का, पूरा डिस्मिल खान का जो गंदा है वो इधर गिरता है, साफ पानी होता था और लोग नहाते थे गर्मियों में, अभी नहाने तो यहाँ पे बंदा ठहर भी नहीं सकता, बंदा ठहर भी नहीं सकता, इतनी स्मेल आ रही है, तो ये अभी नाला बन गया है। सही कह रहे हो कसम से, अभी दूर जाना पड़ेगा फिर आपको सही वाला जो दरिया ये है डेर इस्मिल खान वाला वो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत दूर है, वो देखें अगर आपको रेत रेत ले जा रही है, सारी सप्लाई डेरे को इधर से जाती है।